सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इन्होंने कहा हम 100 रुपए घंटा बिजली देंगे, हम तो बहुत मंदी बिजली दे रहे थे। 100 रुपए घंटा बिजली आप लोग तैयार रह लो, 10 घंटे बिजली मिलेगी 1000 रुपए की, एक दिन की बिजली है 12 की। आप लोगों को पता है या जमीन छीनने का वो है इनका, किस तरह था आप लोग जमीन छोड़ कर भागो। 10 साल पुराने ट्रैक्टर पुरानी गाड़ी रहने की नहीं, जेल भरने की हामी ना भर दो तो मैं ये कहते जो खास खास है ना मरवा देंगे जेल में, इतनी जालिम सरकार है। आजीवन थारी जमीन मोल ले ली इन्नी, हक तो यू है जिसके वहां खंबा गड़िया उसे बिनने गए लिया, 6 महीने में साल भर में उसे उसका मुआवजा चाह मिलना आजीवन। अगर प्रतिष्ठा प्रशासन की है, पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई। चौधरी नरेश के अगर उसकी घोषणा आज करते हो उसे लैन हाजिर करके और उसे इस जिले तक कहीं भी बाहर भेज दो तो समझौता है नहीं, कुछ भी है नहीं भाई। फिर यहाँ से SSP DM आओगे भाई, यहाँ जनता के बीच में घोषणा करनी पड़ेगी और जो कोई होगी चौथी आर पार की लड़ाई अंत ही शुरू होगी भाई। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, उपस्थित बागपत जिले सभी, आर्य बिजनौर सभी, हमारे जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष मलिक साहब फारूकी जी भाई, सभी किसान यूनियन के योद्धाओं, पवार साहब है वेदपाल जी, सबने अपने विचार रखे, तरस तो सब है। हमारा भी सुबह ही वहां पे मजे लगे, 4:30 बजे लेन लगे बिजली वालों की और पुलिस की जांच थी की, कम दम मजे लगे 60-70 केस आते होंगे। बात तो बतेरी है, बुटरे में रामलीला हो रही थी, बुटरे में पठान भी है भाई, वे भी रामलीला में भी सुनने लगे। उन्होंने ज्यादा रोल सा देखा हनुमान का, हनुमान का दिल लक्ष्मण मूर्छित हो जा उसके लिए पहाड़ ठा जा, कभी सीता को ढूंढने चला गया, कभी लंका में जा लिया, वहां पकड़ा गया, वहां कहने में इसकी पूछ मार लगा दो, तो उन्होंने वही दिखा भाई। तो यू हनुमान ही है जो कुछ भी है भाई। एक पठान कहने का उसे राज सिंह ताऊ है वहां से, महाराज किसान यूनियन में रह जाता पहले, कहने बताया, कहने हाँ भाई यू हनुमान धक्के खाता फिर इसके हाथ पल्ले भी कुछ लगा का, कहने नहीं बस कहने हम देख रहा जब तक रामलीला शुरू हुई आखिरी तक ये धक्के खाता फिर रहा, कभी पूछ में आग लग रही, कभी वहां पकड़ा जा रहा, कभी पाल ठाऊ फिरे। तो भाई बात तो या हो रही इब्जा नू भी पता लगेगा भाई, इसमें यूनियन में रहे का फायदा है या नुकसान है, थारी परीक्षा की घड़ी आ गई इब्जा। बहुत बढ़िया था सर, चौधरी नरेश के, चौधरी नरेश के। आप लोग हमेशा तो संघर्ष आई करते, आप पर भी रहन जाने का ही डरा, जितनी जायज थी आप पर हो रही और होने जा रही मीटर तो भी बगल एक और सांग भरने जा रहे, मीटर का तोड़ता ही है। ये 100 रुपए घंटा बिजली का वो आगा आदेश थोड़े घने दिन में आ जाएगा, यहां से भी इस 2024 में ही जो 12 वाले हैं वे सुन लियो कान खोल गए,
नुनायू करके देख लिया 900 रुपए घंटा ट्रैक्टर का खर्चा हुए 15 हॉर्स पावर के मोटर पे, डीजल का जनरेटर की घसाई का, ट्रैक्टर में तेल का, मोबिल ऑयल का, आदमी की मजदूरी का 900 रुपए घंटा। इन्होंने कहा हम 100 रुपए घंटा बिजली देंगे, हम तो बहुत मंदी बिजली दे रहे 100 रुपए घंटा बिजली, आप लोग तैयार रह लो 10 घंटे बिजली मिलेगी 1000 रुपए की, एक दिन की बिजली है 12 की, 3,65,000 रुपए की बिजली, एक साल का बिल 15 दिन में अगर नहीं किसी का 15,000 रुपए हो गया और नहीं बिल दिया गया तो तार काट दिए जाएंगे। वह देखो सोच के कितने आदमी ने सोचे कि नहीं ऐसी नहीं ऐसी होली, अगर मीटर लगे मीटर में 30-32,000 रुपए महीने का बिल है, फिर की बन जा मीटर की अगर 15 हॉर्स पावर का मोटर चलाओगे। आप लोगों पता है या जमीन छीनने का वो है इनका, किस तरह था आप लोग जमीन छोड़ कर भागो, छोटे मोटे मुकदमे में आप लोगों को बिल्कुल खाली कर देंगे, जो तो करके कोई डांगर बेच के कोई कुछ बेच के, जिस गांव में चकबंदी चल रही उसमें देख लो क्या हालत हो रही। सामी ट्रैक्टर खड़ा मुझे लगे यहाँ से 2-4 ट्रैक्टर वैसे भी खड़े होंगे जो मट्टी के उसमें है, मट्टी के उसमें खड़े हुए होंगे यहाँ से पकड़े हुए, थारी शान यहाँ से हर थाने में है और गली जाएंगे में ट्रैक्टर, कोई आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा उन्हें भी खनन के उसमें उन्हें भी खड़े कर दिया जा। गाड़ी ट्रैक्टर 10 साल पुराने ट्रैक्टर पुरानी गाड़ी रहने की नहीं, सब 30-35 रुपए किलो के भाव थे, वही ठेकेदार साथ रहेंगे वही उसका वो हो जाएगा कहने भाई ऐसा इतने वजन का यू इतने वजन का, साथ ही आप लोगों का पेमेंट कर दिया जाएगा, उस ट्रैक्टर को काट दिया जाएगा। जो आप लोगों के ट्रैक्टर है कहाँ कहाँ की लड़ाई लड़ोगे, हम तो यही कहे कोई भूले बिसरे कहीं बगल अगल जा रहे हो अपना आज हो घर है थारा यू कहीं कुछ नहीं, कोई नु सोच रहा हो कहीं कुछ है घूम फिर भी लिए होंगे, कहीं घूम फिर लो यही सी छतरी पाना पड़ेगा भाई। इस संगठन पे इस शासन प्रशासन का अगर कब्जा हो गया तो आप लोग कितने अंगे लगा लियो कोई आप लोगों को कहने वाला नहीं। जिंदाबाद। मारे पे भी आरोप लग जा, वंत ले लिए वहां तो धरना खा लिया, हम लोगों को तो मांगे ना भाई यहाँ तो खर्चे है, यहाँ तो मांगे हुए तो हमें 1 रुपया कोई देता नहीं, और लेते कहीं के ना के देते भाई, इस बात पे बेफिक्र रहो कहीं कुछ नहीं, ना आप लोगों की कहीं कुछ कीमत है, कोई तो मैं खरीदा कुछ नहीं, थारे में तो ये जो जयचंद बड़े रहे नहीं है यही बतेरे कर देंगे काम थारो, तो बहुत बड़ा धोखा थारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भाई ठीक है हम तो आप लोगों के साथ, आपके बिना हमें क्या दिख रहा, जैसा ये जेल भरो भी कह रहे थे ना जेल भरण की ना हम ही भर लियो, जेल भरण की हम ही ना भर लियो तो मैं एक अध्यक्ष जो खास खास है ना मरवा देंगे जेल में, इतनी जालिम सरकार है, मैं हकीकत बता रहा था, मैं केजरीवाल को ये मार का छोड़ देंगे, धीमा जहर उसके भीतर लग रहे तरण, एक दिन पता आ जाएगा कहने भाई कितने आदमी इनका टारगेट यू हो रहा, कहने इन्हें जो ऊ नहीं लगते ऊ करो केस में फंसे उसमें करो इतनी उम्र वो। और भाई हम तो यहाँ रतनपुर के इसमें थाना प्रांगण में कर रहे बात,
भाई पुलिस वाले थे, तुम भी सुधर लो, भगवान ने थारा भी आशीर्वाद दे रखी, तनख्वाह तो मैं मिल रही, बस आला करना करो ठीक है, ना जाज वो ना करो काम, अपने खर्चे देख कर कर लो। पुलिस वालों के जाकत वाले का देख लो क्या दिन हो, कोई सम्मान नहीं मिलता, और हम तो तुम्हें यही कह रहे हैं छोड़ दो गरीब भूपते, देर बेतू की लूट खसोट होगी, नहीं अरे सुन तो ऐसा क्या ऐसी बात है ना, पता नहीं क्या पहले एसएसपी थे यहां से, ना कभी हंसना ना कभी बोलना, हमारे साथ भी होगी बातचीत, हम तो गए थे उलाना ले गए, कहने मैं तो गलत किसी की सुनता ही नहीं, मंत्री की भी नहीं सुनता रहा भाई, तू इस जिले का एसएसपी है सर, क्या ऐसी बात है, हमारा हक नहीं है क्या कुछ कहने का, मतलब पूरी बदतमीजी। हम तो यही कहे वह मुर्गू वाली बात इन्होंने तो बैठिया डाला बताई नहीं, मैं बताऊ तो मैं मुर्गू की बात, ये दुकान है नहीं मुर्गू की, इनमें गाहक जा एक आधा मुर्गा पकड़ लिया, वो काटा पिट्टी करके अपना जो कुछ है पन्नी में पैक कर दिया, दूसरे में नु कहने पर मारी तो जान बच गई, फिर दूसरा गाहक आया एक मुर्गे का दो का उनका, तो समझ लो वो सारा वो जो उनका वो है नहीं, और मुर्गा दान जिसमें वो है पिंजरा पिंजरा वह जाली दड़बा समझ लो सबका वार आ गया, ठीक है बचे तो हम भी नहीं जाने के, हम भी थोड़े घड़े आगे पीछे हमारा भी वार आ जाएगा, तम ऐसा ना करो थारी भी जान बची रहेगी, और तम कट्ठे रहो भाई संगठन ते थारी जान बची रहेगी, कोई नू सोचता हो अग मैं बच गया सबका वार आ लगा, थारी कोई भी इज्जत नहीं है प्रशासन के मन में, थारी इतना भी सम्मान नहीं है, सिर्फ एक तम तो कुमाने के वो हो, इनके लिए अनाज पात कुमाऊ जाओ, मिल में गन्ना गेर दो वहां चिन्नी बढ़ जा पौने पौने दम मुंह में, कोल्लू चल जाग रहे थे पहले बिजली के कोल्लू, ट्वेल पर कोल्लू लगा लिया काम कर लिया, सब बंद हो गया क्या, ये जो कुछ समाज के आदमी जो नु कह के तो यूनियन फला फला की है या तो नु है, हो लिया कोल्लू बंद उनके भी जो उन्हें रोजगार था 20-30 आदमियों को रोजगार में होता, हो लिया बंद इतने यूनियन का ठीक रहा हिसाब, कोल्लू चले ट्रैक्टर है आप लोगों की बदलो, ट्रैक्टर है रे नहीं 10-12 साल पुराना ट्रैक्टर सड़क पे चलने का नहीं, सब कट जाएंगे, बिजली का ही तो मैं बता ही दिया मामला, तो बचोगे कहाँ, तो आप लोगों को एक ही हाईवे बन गए, हाँ हाईवे बन गए, अपना बैठे बैठे नु देखो जे वो आ गई गाड़ी, वो उंगे ताई बहुत ही स्पीड थे वो आ गई गाड़ी, कहीं चढ़न का रास्ता नहीं, कहीं चढ़न का रास्ता नहीं, आप लोगों की जमीन जाली सोने के भाव की जमीन कोटियों के भाव में जाली जबरदस्ती, जहां जहां सर्विस रोड है सर्विस रोड उन्होंने नहीं दी, सर्विस रोड हंगामारी तो लेनी पड़ेगी, इसके लिए बताओ तैयार होगा, तैयार है जो सर, जहां से भी हर 7-8 किलोमीटर पे हर जगह सर्विस रोड लेनी पड़ेगी, ये 40-40, 50-50 किलोमीटर तक देने के नहीं, आप लोगों क्या फायदा होगा उस रास्ते का, बिजली के खंभे बड़ी बड़ी लेन दो दो ढाई ढाई लाख रुपए दे दिए, आपके चक्कू का नाश कर दिया, जबरदस्ती खंभे गाड़ दे पूरे, आजीवन थारी जमीन मोल ले ली, इन हक तो यू है जिसके वहां खंभा गड़ा
उसे भिन्न गए लिया छह भिन्न में साल भर में उसे उसका मुआवजा चाह मिलना आजीवन जो महंगाई होती रहे जो कुछ भी महंगाई होती रहे छः 500 रुपये बढ़ो साल में उसका वो चाह ऐसा भी नहीं तो पैसा इनके दे दिया था मैं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत तय जमीन थाम रखी भाई बड़ी मेहनत था आप लोगों के जो हजार दो हजार साल पहले हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने यह जमीन थाम रखी है थारे पे तो छीनने वाली हो इसे भी थाम लो। एक नशे की बात हो रही भाई जो हमारी युवा पीढ़ी अरे तम तो चुप करते थे गिरने भैया तमें जो बड़े आदमी में कदरों करेंगे काम ये युवा है ये बाहर ना खेत में जाते ना कुछ है इन्होंने फोन ले रहे लंबे लंबे सबके गुंथे लग रहे बैंकों में सबके बैंकों में गुंथे लग रहे। तो खैर मोटी मोटी बात बताई शर्मा जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है इन्होंने कह दिया धरना जारी रहेगा भाई चौधरी साहब आप संघर्ष करो अगर प्रतिष्ठा प्रशासन की है पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई चौधरी नरेश की प्रतिष्ठा हमारी भी है। अगर उसकी घोषणा आज करते हो उसे लैन हाजिर करके और उसे इस जिले तक कहीं भी बाहर भेज दो तो समझौता है नहीं कुछ भी है नहीं भाई बहुत बढ़िया अमर रहे जिंदाबाद। इब लोग तो सीओ साहब के हाथ में है यहाँ से बात फिर यहाँ से एसएसपी डीएम आओगा भाई बहुत यहाँ जनता के बीच में घोषणा करनी पड़ेगी और जो कोई होगी चौथे आर पार की लड़ाई अंत ही शुरू होगी भाई जिंदाबाद ठीक है जी जय हिंद जय भारत चौधरी नरेश की जय।